दिल्ली तो वैसे मशहूर है अपने चटपटे जायके के लिए, अपने मुगलई खाने के लिए, पर पिछले कुछ सालों से दिल्ली के स्ट्रीट फूड पर मोमो के जायके की एक अलग सी ही लहर चल रही है। तो आज अपनी डेली स्ट्रीट फूड एक्सप्लोरेशन की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपका होस्ट रोहन और मैं आपका होस्ट पृथ्वीराज, आप पहुंचे हैं अमर कॉलोनी सी ब्लॉक भगत सिंह चौक के पास और यहाँ हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ के बहुत ही फेमस मोमोज का आउटलेट जिसका नाम है हंगर स्ट्राइक। तो आइए चलते हैं। चलिए तो अब हमारे साथ हैं इस फूड आउटलेट को जो मैनेज करते हैं इंदर जी, और वो अब हमें बताएंगे इस दुकान की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या आइटम यहाँ पे फेमस है। शुरुआत तो खैर करीबन 10 साल हो चुके हैं दुकान को खुले हुए, और हमारा जो फेमस है तंदूरी मोमोज, अफगानी फ्लेवर भी होता है उसमें, तंदूरी भी होता है, दोनों फेवरेट हैं। और हमारा एक नया शुरू किया हमने कुरकुरे मोमोज, उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा है। लेकिन इंदर जी आप हमें ये भी बताइए कि कोविड की वजह से बिजनेस में आपका क्या प्रभाव पड़ रहा है। सर बिजनेस फ़र्क तो है क्योंकि देखिए कैश की तो डिमांड खत्म ही है लगभग, बाकी पेटीएम वगैरह गूगल पे वगैरह से काम थोड़ा बहुत चल रहा है, बट फिर भी ठीक है ऑल ओवर इतना अब पिकअप कर रहा है, पिकअप हो रहा है अपन का। और मेजर्स आप क्या क्या ले रहे हैं कोविड को लेते हुए? सबसे पहले तो हमारे पास सैनिटाइजर रखा हुआ है, सैनिटाइजर हम यूज़ करते हैं सूर्य आते ही, पूरी पूरे स्टाफ को टेम्परेचर हमारा माप होता है, उसके बाद किसी को एंट्री देते हैं किचन में। उसके अलावा हमारे पास मास्क हैं, ग्लव्स हैं, कैप्स हैं, इनके बगैर किसी की एंट्री नहीं होती। तो इंदर जी हमारे कुछ रेकमेंड करिए कि आज आप हमारे को क्या खिलाने वाले हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो तंदूरी खाइए आप, जो हमारा फेमस, जिसके लिए नाम ही हमने रखा है हंगर स्ट्राइक। तंदूरी मोमोज तो ट्राई कीजिए, उसके बाद आप अफगानी भी ले सकते हैं और कुरकुरे भी ले सकते हैं और जो है टेस्ट ठीक है। तो अब हम आज ट्राई करने वाले इनके तंदूरी मोमोज, और पृथ्वी आपके आपको क्या मन कर रहा है? मैं यार अफगानी फ्लेवर ट्राई करके देखूंगा उसी का, ठीक है, और देखते हैं और क्या ऑर्डर करते हैं, आपको तो आगे दिख ही जाएगा। ये है हमारे तंदूरी मोमोज, इसके साथ दो चटनियां दे दी हैं। वाह जी वाह, ये है हमारे कुरकुरे मोमोज, बेसिकली फ्राइड विद ब्रेड क्रम्स, ऊपर लाल मिर्ची, पेरी पेरी मसाला, ये है अफगानी मोमोज, और ये है हमारे देसी सेंटा क्लॉस खुशियां बांट रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे अफगानी मोमोज से। अफगानिस्तान है इंडिया के वेस्ट में, चाइना और तिब्बत नेपाल पड़ता है इंडिया के ईस्ट में, और दोनों को कंबाइन कर दिया दिल्ली ने। तो आइए इस मोमोज का टेस्ट लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। मोमोज हर जगह ऑल पर्पज फ्लोर के आउटर लेयर से बनता है, लेकिन मोमोज का जो एंड होता है ना सिरा, वो मोटा नहीं होना चाहिए, वो भी एकदम यूनिफॉर्म रहना चाहिए, अंदर फिलिंग दबा दबा के भरी गई है। अफगानी मोमोज है तो दही और क्रीम को बहुत बढ़िया से इन्होंने कंबाइन किया है। मसाले हमने पूछे क्या डालते हैं, तो गरम मसाला डालते हैं, चाट मसाला डालते हैं, और एक इनके तीन मसालों का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं ब्लैक पेपर का भी टेस्ट आ रहा है, वो भी डाला हुआ है इन्होंने, शानदार। जब तक पृथ्वी अपने अफगानी मोमोज टेस्ट कर रहा था तब मैंने ट्राई किए कुरकुरे मोमोज, और काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, अच्छी तरह से डीप फ्राइड है, वही सेम चिकन की स्टफिंग, ओवरऑल काफ़ी क्रंची टेक्सचर, जो अंदर चिकन था काफ़ी जूसी, काफ़ी टेस्टी था, और साथ ही में इनकी मेयो और जो इनकी रेड चिली सॉस है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे पेरी पेरी मोमोज, इनके पेरी पेरी कुरकुरे मोमोज। आप देख सकते हैं अंदर जो चिकन है उसकी क्या बढ़िया स्टफिंग हुई है, एंड टू एंड चिकन की कोई धोखाधड़ी नहीं की गई इसके अंदर,
दबा के चिकन डाला हुआ है, तो चिकन का काफी यूनिफॉर्म फ्लेवर भी आ रहा है इसमें भी, तीनों में। जो कई जगह होते हैं ना सोया वगैरह डाल देते हैं पृथ्वी, वो अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए, यहाँ पे वो नहीं करी हुई। लेकिन खैर तंदूरी मोमोज, तंदूर का बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, सेंट भी बहुत बढ़िया आ रहा है, इन्होंने गार्निश भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, प्याज डाला है इन्होंने साइड में, जिनको भी प्याज लवर्स हैं, सैलेड लवर्स हैं, उनको सैलेड ग्रेवी के साथ ही मिल रहा है इसमें, बहुत शानदार। यूनिफॉर्मिटी दोनों में ही मेरे को बहुत शानदार लगी इनकी, चिकन की भी लेयर भी बहुत थिन है, और ग्रेवी मोमोज में क्या रहते हैं कि ग्रेवी कहीं पर क्वालिटी बढ़िया नहीं रहती है, क्योंकि इतना ज़्यादा सर्व होता है ग्रेवी, तो लोग क्रीम थोड़े अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसकी क्रीम मेरे को खाने से ही पता लग रहा है कि जो घर पे हम क्रीम ऑर्डर करते हैं उनका यूज़ किया इन्होंने। हमारे को यहाँ पे भैया मिले, वो भी फंगस फ्राई के मोमोज काफ़ी फिट है। चटनी चाहिए? इतना टेस्टी है, बिना सॉस के साथ था, सॉस के साथ और भी टेस्टी है, इसका मज़ा इतना सॉस के साथ दुगना हो जाता है। वेरी नाइस मोमोज, तंदूरी मोमोज, अमर कॉलोनी, सी ब्लॉक। ये नौकरी छीनने वाले हैं भैया हमारे। पृथ्वी तेरा को बेस्ट मोमोज कौन से लगे? भाई तीनों खाने के बाद मेरे को जो बेस्ट लगा वो ये था कि कुरकुरे मोमोज खरीदो, तंदूरी की ग्रेवी में डुबाओ और उसे खाओ। ऑप्शन बुरा नहीं है, मैंने भी तीनों टेस्ट करे, बेस्ट मेरे को कुरकुरे मोमोज लगे, उसके बाद सेकंड बेस्ट हमारे तंदूरी मोमोज, और उसके बाद अफगानी। तो रोहन इस आउटलेट की एक और जो बात मेरे को बढ़िया लगी वो है यहाँ पे मिलने वाले ड्रिंक्स का ऑप्शन, मतलब आप मोमोज में भी वैरायटी है, साइड ड्रिंक में भी वैरायटी दे रखी है, तो एक ओवरऑल एक बढ़िया स्कूटी पे लगा के डेट ऑन दिल्ली साइड मोमोज कर सकते हैं आप यहाँ पे। बेसिकली आसपास कॉलेज एरिया भी है ना, तो यूजली लोग अफोर्डेबल डेट्स के लिए यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, आ सकते हैं। नहीं अफोर्डेबल में भी अब सही है ना, संडे में ही आना चाहिए, हर संडे आप यहाँ पे पृथ्वी को पा सकते हैं ब्लाइंड डेट पे। इसके बारे में कुरकुरा मोमोज विद तंदूरी की ग्रेवी के बारे में तो दोबारा से एंड में भी यही कहना चाहूँगा, क्या बवाल चीज बनाए हो बे, सारा सिस्टम हिल जाता है। बढ़िया, चलिए तो अब हम खाते हैं, हमारे कैमरामैन को भी खिलाते हैं, आप मिलिए हमसे अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें, और कोई फूड आउटलेट आप चाहते हो कि हम कवर करें तो हमें बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल जिसका नाम है DFW एक्सप्लोर। तो मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में एक नई एक्सप्लोरेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक का बटन दो बार दबाएं। एक मेरे लिए और एक पृथ्वी के लिए।